क्यों है परजाई जी, उदास लग रहे हो? आपको तो खुश होना चाहिए। किस वास्ते? गीत का ब्याह हो रहा है, इस वास्ते? और नहीं तो क्या, कम से कम इसका एक गाना बजाना तो बंद होगा। वीरा के साथ रह रहे के ना सच्ची बड़ी मनमौजी होगी है कुड़ी। अब जाएगी इस घर से और आपके साथ बदतमीजी भी नहीं कर पाएगी। ऐसे क्या देख रहे हो परजाई जी? बड़ा सज धज के तैयार किया तू। गीत का ब्याह हो रहा है इसलिए तेनू भी पता है बंसरी और मैनू भी कि उस रात इस घर में रणविजय और गीत के बीच में क्या हुआ था। बलवंत और बलदेव तो भूले हैं पर तेनू की होया है। तू उस औरत के लिए खुशियां जुटा रही है जिस औरत ने तेरी कुड़ी की खुशियां लूटने की कोशिश की। वाह बंसरी, अगर मैं तेरी जगह होती ना तो मैं गीत का चेहरा भी नहीं देखती और तू उसका ब्याह करवाना चाहती है धूमधाम से। धन्य है तू बंसरी, धन्य, जयकारा हो तेरा। गुंजन भाभी, वो मैं एक मिनट के लिए वीर जी को ले जाऊं, कुछ बात करनी है। हाँ क्यों नहीं। सत श्री अकाल ताई जी। सत श्री अकाल। क्या क्या हो रहा है इसका, और इस सब की वजह ना दोनों भाई बहन ही है। क्या कह रहे हो बीजी, समझी नहीं मैं। इन दोनों की वजह से ना उस गूंगी गीत के मुंह में गज लंबी जुबान आ गई है। इतनी हिम्मत होगी इसकी उसे तेरे व्याह पे नजर डाल दी। छोड़ो ना बीजी, अब सब ठीक हो जाना है। गीत का ब्याह हो जाएगा फिर हिम्मत उसकी कि वो रणवीर की तरफ देखे। गलती सिर्फ गीत की नहीं है गुंजन, ताली ना दो हाथ से बजती है, शायद रणवीर ने भी दी होगी। और वो वीरा, बस मुंह मत खुला मेरा। क्या क्या वीरा ने बीजी? गीत को रणवीर से किसने मिलाया और किसने कहा कि रणवीर को गीत के साथ गाना गाना चाहिए? इन दोनों को नजदीक लाने में ना सबसे बड़ा हाथ वीरा का ही। अभी देखना गीत से मिलवाने गई होगी, उसके आंसू पछुआने। सच्ची इस वीरा की हरकतें देख के ना मेरा इंसानियत से विश्वास ही उठ गया। नहीं बीजी, वीरा ऐसा नहीं करेगी। अच्छा चल तो खुद सोच, अभी भी वो गीत के साथ कितनी भली बनी है ना, और तुझे शक्की कह रही। अगर इतनी महान है ना वो, तो एक बार खुद को तेरी जगह पे लाके तो देखे। अगर बलदेव की जिंदगी में कोई आई होती ना, बाल नोच लेती वीरा उसके, और तुझे उपदेश दे रही है। अब मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हो बीजी? अभी भी देर नहीं है पुत्र, सोचना। गीत की विदाई का दिन मैं उसके लिए यादगार बना दूंगी। आप अपनी मर्जी से शादी के लिए तैयार ही हो? मैंने माफ कर दो गीत, मैं तुम्हारा चेहरा देख के जान पा रहा हूं कि इस शादी के लिए तुम तैयार नहीं हो। और तुमने क्यों हाँ कहा है ये भी मैं जानता हूं। मैं समझ ही नहीं आ रहा है सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों मैंने कुछ भी। शब्द वास्ते ऐसा मत कहिए रणवीर जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आपको अपना गुरु मानती हूँ। पता है बचपन में ना मैंने एक बात सुनी थी, अगर ऊपर वाला किसी की मदद करना चाहता है ना तो वो इंसान के भेस में आता है, और आप मेरे लिए वही इंसान हैं। आपने मेरी बेटी को वो प्यार दिया जो किस्मत ने उसे छीन लिया था। कोई कभी नहीं समझ पाएगा कि मैं आपको पूछती हूँ, और उसके अलावा मेरे दिल में कोई और ख्याल नहीं आया। और देखिए ना, फिर भी आज आप पर इल्जाम लग रहे हैं, और इस सब के लिए सिर्फ एक ही इलाज है, मैंने दोबारा ब्याह करना पड़ेगा।
क्या मैं ये ठीक कर रही हूँ? अगर बीजी गलत हुई तो शायद मैंने रणवीर पे शक नहीं करना चाहिए। इस वक्त रणवीर गीत के साथ नहीं होगा। मैं आपको आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दे सकता। आपसे एक विनती है, मेरे लिए जो कोई दूल्हा ढूंढा जाएगा उसे आप पसंद करोगे, क्योंकि मैंने सिर्फ आप पे भरोसा है, आप पर यकीन है। मैं जानती हूँ आप मेरे लिए कोई ऐसा लड़का नहीं ढूंढोगे जो दीपू के लिए गलत बाप साबित होगा। आप मेरे लिए वही लड़का पसंद करोगे जो दीपू को एक बाप का प्यार दे सकेगा। क्यों दास, अब तो सब कुछ ठीक हो रहा है ना? लोग गलत फहमियां नहीं खड़ी करते वीरा, हालात करते हैं। मैं गीत की बहुत इज्जत करता हूं और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सब हमें गलत नजर से देख रहे हैं। सब क्या, मेरे अपने, मेरे घर वाले मेरे गलत नजर से देख रहे हैं। गुंजन मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा वीरा कि मैं इस हालात से कैसे समझौता करूं। अंदर ही अंदर टूट रहा हूं मैं और बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। पहले बीजी होती थी ना तो वो मेरी मदद कर देती थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और जानती है, गीत ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि उसका जो भी पति होगा मैं उसे उसके लिए पसंद करूं, और ऐसा वो मेरे लिए कर रही है। जानती है क्यों? क्योंकि मेरी बीवी मुझ में भरोसा नहीं करती, इसलिए गीत को कुर्बानी देनी पड़ रही है। अब इस जिम्मेदारी का बोझ कैसे उठाऊंगा मैं? शर्म आ रही है मुझे खुद पे कि मेरी वजह से गीत को एक अनचाहे रिश्ते में बंधना पड़ेगा। दीपू से तो किसी ने पूछा ही नहीं होगा इस बारे में कि वो क्या चाहती है, वो क्या सोचती है। उसकी भी तो जिंदगी बदल जाएगी, और इस सब का क्या असर पड़ेगा उस पे, किसी ने सोचा? नहीं, सब सोच रहे हैं कि गुंजन को क्या जलन हो रही है, उसे क्या शक हो रहा है, सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं। फिर मैंने भी बेवफाई की होती ना तो उसकी सजा मैनू मिलती, लेकिन सिर्फ इस करके गुंजन को मुझ पे भरोसा कम है। उसकी सजा गीत को कैसे मिल सकती है? कैसे मिल सकती है गीत को उसकी सजा? मिर्ची, फिर तो गीत भाभी ने आपको बहुत ही सही जिम्मेदारी दी। आप उनकी इतनी इज्जत करते, मैंने पूरा यकीन कि आप उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। जानती हूँ आप सही फैसला लेंगे उनके वास्ते। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।